हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव सड़क के लिए अपने 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पार्टनर की रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए इस पर क्या फीलिंग्स है और आपके लिए क्या फीलिंग्स है, ठीक है। देखते क्या निकल के आता है, एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, थीटा पे ध्यान ना दे, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखे, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप बहुत सालों से महीनों से इंतजार कर रहे हैं आपके पार्टनर के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर की रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए फीलिंग्स है। यहाँ पर डेथ का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स ट्रू मैसेज दे। डेथ का कार्ड क्यों है? ओके, आपके पार्टनर के आपके लिए क्या फीलिंग्स है इस वक्त? ट्रू मैसेज देने से इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है? ओके, ये आ गया था अपने आप, तो इसको लेना पड़ेगा, ठीक है। और बॉटम में है यहाँ पे 10 of Wands, ठीक है। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, तो रीडिंग सबके लिए है, ऑल साइंस है। नंबर 1 6 17 0 18 9 9 4 3 13 9 9 9 9 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। 4 4 4 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। और यस, इस वक्त आपके पार्टनर की रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए अगर फीलिंग्स की बात करूँ, जब इनकी शादी हुई थी स्टार्टिंग में, तो ऐसा इनको लगा था कि कोई मतलब मिराकल की तरह इनकी ज़िंदगी जो कि चेंज होने वाली है। और शायद जो कि थर्ड पार्टी की बातें सुन के उन्होंने शादी करी थी, उन्हीं की बातों में आके जो कि इन्होंने उस थर्ड पार्टी में अपने प्यार को देखना स्टार्ट किया था। सोलमेट फ्रेम फ्रेम कनेक्शन इनको स्टार्टिंग में फील हुआ था उनके साथ, कि मतलब पता नहीं भगवान ने कैसा मैजिक कर दिया कि जिस पर्सन के साथ मैं शादी नहीं कर सका उसी की कार्बन कॉपी मेरे पास भेज दी है। इस तरह से मिराकल के ऊपर मतलब कि मिराकल मान रहे थे अपने शादी को स्टार्टिंग में। सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील हुआ, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील हुआ, लेकिन धीरे धीरे जो कि इनके मन मुटाव बहुत ज़्यादा बढ़े, ये जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी है आपके पार्टनर के घर वालों के साथ मैनेज नहीं कर पाती है बहुत ज़्यादा। मतलब कि इनके घर वाले ऐसे हैं जो कि आपके पार्टनर का माइंड इतना ख़राब करते हैं, ना तो उस थर्ड पार्टी के साथ प्यार से रहने देते हैं, ऊपर से जहर घोला जाता है इन दोनों को, मतलब इन दोनों में सुख चैन नहीं रहने देते, मैं ऐसे बोल सकती हूँ। और ये लोग ऐसे ही है, ये मतलब चाहते ही नहीं कि इनका ये जो भी बच्चा है, लड़का है या लड़की है, कोई भी हो, लेकिन ना ये इनका घर ना मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि ये सिर्फ अपने बच्चे पे हक जमाना चाहते हैं, चाहे उसकी मैरिड लाइफ कितनी भी डिस्टर्ब हो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इन थर्ड पार्टीज़ के इस बिहेवियर से, इनके मम्मी पापा भाई बहन ये कोई भी हो सकते हैं, जिनके इस बिहेवियर से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, जो कि इस थर्ड पार्टी को स्वीकार करने के बाद हैप्पीनेस स्टार्टिंग में तो थी, लेकिन धीरे धीरे जो इतनी अनबन बढ़ गई और इनको ये समझ में आने लगा कि ये मतलब ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, इन्होंने ऐसे ऐसे टाइम देखे इस थर्ड पार्टी के साथ कि इनको ना रियलाइज़ हो गया कि ये पर्सन मतलब इनके लिए अच्छा नहीं है। डेथ को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ वैंड्स ने, ये मतलब आपके पार्टनर इनको इतना इग्नोर करते हैं इस थर्ड पार्टी को, ना तो इनके साथ बात करना पसंद करते, ना टाइम स्पेंड करना, इनकी तरफ देखते भी नहीं हैं। और इस एनर्जीज की वजह से रोमांटिक थर्ड पार्टी भी आपके पार्टनर से बहुत ज़्यादा परेशान है और आपके पार्टनर भी इस रोमांटिक थर्ड पार्टी से बहुत परेशान है। डेथ का कार्ड, इनको रिश्ता नहीं चाहिए उनके साथ, कभी भी ये रिश्ता टूट सकता है, जिसको ये मिराकल मान रहे थे, यही मिराकल इनके लिए जैसे कि एक श्राप बन चुका है, हम ऐसे बोल सकते हैं। ब्लैक बिल्ली, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है इनके इस रिश्ते में, आपके पार्टनर इनको लेके कभी भी कुछ पॉजिटिव सोच नहीं पाते, कुछ बताना चाहते इनको कि यस कुछ तो बाकी था, कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, पास्ट लाइफ का कुछ बाकी था जिसकी वजह से इस जन्म में इनका रिश्ता हो गया। और द हर्मिट का कार्ड है यहाँ पे, इस थर्ड पार्टी के इनके साथ होने के बावजूद आपके पार्टनर इतना अकेलापन महसूस करते हैं उनके बिना, मतलब कि
अपनी ज़िंदगी में मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेले पड़ चुके हैं इस रोमांटिक थर्ड पार्टी के होने के बावजूद। ये नहीं चाहते इनके साथ रिश्ता निभाना, और जो कि इनको बहुत जल्दी बताना चाहते हैं कि ये दोनों मतलब एक दूसरे से अलग होना बेटर रहेगा, ऐसी ज़िंदगी जीने से बेटर है, इस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड को भुगतने से बेटर है, और जो कि इतनी तकलीफ झेलने से बेटर है, एक दूसरे की इतनी बेइज्जती करने से बेटर है कि हम दोनों को एक दूसरे से अलग होना चाहिए। ये इस तरह के एनर्जीज है आपके पार्टनर की इस रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए। और जैसे कि मैं प्यार वाली बात करूँ तो ना तो ये रोमांटिक थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से प्यार करती है और ना ही आपके पार्टनर इनसे प्यार करते हैं। सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में इनको ऐसा महसूस हुआ था, लेकिन धीरे धीरे इनको रियलिटी समझ में आ गई। ठीक है, जैसे कि अगर आपके लिए फीलिंग्स की बात करूँ, आपके लिए इनके इमोशंस तो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब कि आज भी आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं, आपके जैसा पार्टनर शायद ही इनको कभी मिले, इनको ऐसा लगा था या आपको, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप एक ऐसे पर्सन हो जिनको वो ज़िंदगी भर कभी नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन फैमिली बर्डन के चलते इन्होंने आपको छोड़ा और इस थर्ड पार्टी में आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की। तब जाके इनको पहले से ही पता था आपके जैसा पर्सन इनको कभी नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी जो कि इन्होंने रिस्क ली इन लोगों की बातों पे भरोसा करके और थर्ड पार्टी में आपको ढूंढने लगे। जैसा सोचा था वैसे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अब अगर ये आपके साथ बात करने की कोशिश करते, आपके साथ जैसे कि रीयूनियन के लिए मैसेज करते हैं, तो आप जो कि थ्री ऑफ सोर्ड्स वाला पेन इनको सुनाना स्टार्ट करोगे, जो भी इन्होंने आपके साथ किया, धोखा दिया, चीट किया, आपको रुलाया, आपको तकलीफ दी, और इस थर्ड पार्टी को मतलब कि बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट आपको इनकी दिखाई दी, खुशियाँ दिखाई दी, इन्होंने बहुत कुछ सोशल मीडिया पे ऐसा कुछ अपलोड किया था जो देख देख के आपने बहुत जलन महसूस की है, और रात रात भर आप बहुत ज़्यादा रोए हो, आपका दिल इन्होंने इतना तोड़ के रख दिया है, चीर के रख दिया है। ये सारी बातें आप इनको सुनाओगे, इनको अच्छे से पता है, इसलिए इनका दिल करता भी है ना आपसे, करंट में भी रीयूनियन करना चाहते, करंट में भी आपसे बात करना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं आपके लिए, लेकिन जब जब इनको आपके लिए एक्शन लेने की टाइम आता है, तब तब इनको ये थ्री ऑफ सोर्ड्स वाला पेन जो इन्होंने आपको दिया है वो याद आता है, इसलिए अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, डरते हैं आपका सामना करने से। क्लियरली यहाँ पे कार्ड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये आपसे डरते हैं, आपसे फाइट करने से डरते हैं, आपकी जबान से इनके लिए कुछ भी गलत सुनने से वो डरते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में आपने कुछ बोला होगा एक दूसरे को बहुत, लेकिन उसके बाद बहुत टाइम बीत चुका है, आप दोनों ने एक दूसरे का फेस भी नहीं देखा है, वो चाहते हैं आपको देखना, आपको अपनी बाहों में लेना, आपसे शादी करना, और जो कि आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आपके लिए उन्होंने थर्ड पार्टी को छोड़ने का डिसीजन ले लिया है, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है इस थर्ड पार्टी का, अपने घर वालों का, आपके प्यार का। तो सबसे पहले ये इस थर्ड पार्टी को निकालने का काम करेंगे, अपने घर वालों को मनाने का काम करेंगे, और फिर उसके बाद वो आपको ऑफर करेंगे शादी का। क्योंकि अगर ये आपके पास आते भी है तो आप यही बोलोगे, अगर आया है तो क्या अब तू रेडी है मुझसे शादी करने के लिए, इतनी ढेर सारी आप शिकायतें करोगे, उसके बाद आप उनको यही पूछोगे और फिर से आपको ये यही बताएंगे कि नहीं अभी तक तो रास्ते क्लियर नहीं हुए हैं, तो फिर आप मतलब क्या करोगे, आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा। इनको अच्छे से पता है कि अब जो कि आपके पेशेंस कंप्लीट ख़त्म हो चुके हैं, अब जो कि आप इनका इंतज़ार करने के मूड में ही नहीं हो, इसी वजह से ना तो आपका रिजेक्शन इनको देखना है, इनको पता है आपका दिल उन्होंने तोड़ा है, तो ये आपके दिल पर लगाने के लिए मरहम लेकर ही आपके पास वापस आएंगे। इस तरह के एनर्जीज है, करंट में बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत दिल कर रहे हैं बात करने का, लेकिन अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं, नहीं चाहते कुछ भी आपको बताना, इस तरह के एनर्जीज है। ठीक है, ये आपके पार्टनर की इस रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए फीलिंग्स है और आपके लिए फीलिंग्स है। ठीक है, तो अगर रीडिंग रेजोल्यूट की वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग कराने है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।